आज क्या बनेगा? मैं आज हम बनाएंगे पीएमटी की सब्जी। ये पीएमटी इसलिए है क्योंकि प्याज मटर टमाटर की पिट्ठी है। ये मेरी सबसे फेवरेट है। जब मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता तो मैं हमेशा यही बनाती हूँ। आप भी कभी त्योहार के मौसम में जब तेल मसाला खाकर मन भर जाए तो ये सब्जी ट्राई करें। पीएमटी को बनाने के लिए हमें जो जो चीजें चाहिए वो है प्याज 1 प्याला, 2 प्याज मैंने काट लिए हैं, 1 प्याला मटर, 1 प्याला टमाटर। मसालों में हमें चाहिए आधी चम्मच काली मिर्ची, आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और धनिया पाउडर। यही 5 मसाले काफी हैं। अब हम पीएमटी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, पैन में 1 चम्मच से भी कम तेल डालेंगे। तेल के गरम होते ही जीरा डाल देंगे। तेल गरम था और इसलिए जीरा भुन गया है। जीरा के भुन जाने के बाद धुले हुए मटर, जिन्हें जिनका पानी हमने निकाल लिया है, डाल देंगे। और मटर डालते ही पैन को ढक देंगे और ढके ढके ही उसको हिलाएंगे, क्योंकि ऐसे में जब तेज गरम पैन होगा, जब तेल ज्यादा गरम होगा तो मटर जल्दी जल्दी पटकने लगती है, उड़ उड़ के जाएगी। इसलिए हम इसे ढक देंगे। और जब मटर जो है वो अपना मॉइस्चर जल्दी छोड़ दे, उसके लिए हम नमक सबसे पहले डाल देंगे। और नमक डालकर अच्छे से मिलाएंगे। हमारी मटर सबसे अच्छी तरह से पक रही है। ज्यादातर लोग मटर को ज्यादा नहीं गलाते हैं और लास्ट में डालते हैं, पर उससे मटर कड़ा रह जाता है जो अच्छा नहीं लगता। मटर थोड़े से भुन गए हैं, उसके बाद हमने प्याला प्याज का डाल दिया है। प्याज मिक्स करेंगे और थोड़ा चला करके जो मटर और नमक के जूसेस है वो मिक्स कर देंगे। फिर हम कटी हुई बारीक हरी मिर्च डालेंगे। मैंने सिर्फ 3 हरी मिर्च ली है, मैं बहुत तीखा नहीं बना रही हूँ। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप मिर्च बढ़ा सकते हैं। ना ही मैं ज्यादा लाल मिर्च डालने वाली हूँ। अगर आपको तीखा खाना ही है तो लाल मिर्च और काली मिर्च की अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। अब फिर हम इसे ढक करके रख देंगे। ढककर पकाने से सब्जी का टेस्ट बना रहेगा। अब हमारे मटर और प्याज अच्छे से भुन गए हैं। इसमें हम डालेंगे अपने मसाले, जिसमें काली मिर्च पाउडर है, हल्दी है और धनिया है। ये सब हमने डाल दिया है। चाहे तो लाल मिर्च डाल दें। इन 3 मसालों को मिला करके अच्छे से पकाएंगे। हम ये चाहते हैं कि कम मसाले का खाना बने, इसीलिए हम धनिया इस्तेमाल कर रहे हैं। धनिया बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए और मुझे धनिया का फ्लेवर पसंद है। अगर आपको धनिया का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, और हरा धनिया भी डाल दें तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। फिर से हम इसे ढक करके पकने के लिए छोड़ दे रहे हैं। इससे मसाले अच्छे से पक जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेल और पानी इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए भाप से ही मसालों को पकाया जा रहा है। अब जब हमारे प्याज और मटर अच्छे से पक गए हैं तो हमने अपने लाल लाल कटे हुए 2 टमाटर डाल दिए हैं। मैंने चॉपर से काटा है इसलिए एक जैसे टुकड़े हैं। एक जैसे टुकड़े होंगे तो दिखने में भी सुंदर लगेगी और खाने का भी मन करेगा। टमाटर मिक्स कर दिए हैं, अच्छे से ऊपर नीचे मिला दिया है, मसाला मिक्स हो गया। अब फिर से हम इसे ढक करके छोड़ देंगे जब तक हमारे टमाटर भाप से अच्छी तरह गल न जाए। जब हमारे टमाटर भाप में कुछ 5 मिनट पक चुके हैं तो हम इसको फिर से चला रहे हैं और हमारी सब्जी जो है एकदम तैयार हो गई है। इस सब्जी को आप दाल चावल के साथ परोसें तो सबसे अच्छी लगेगी। हल्का फुल्का खाना खाकर का पेट भी खुश हो जाएगा और आपको बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज जरूर ट्राई कीजिए।